अगर टाइगर को बंदर मिल जाए तो उसे खा जाएगा, पार्टी हो जाएगी। और अगर ये हिरण मिल जाए फिर तो वाओ 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 ग्रैंड सेलिब्रेशन सोने। और हिरण तो वेजिटेरियन है, उसे लगता है टाइगर से डर। और फिर बिल्ली में भी उसे कोई इंटरेस्ट नहीं। और बिल्ली तो हमेशा चूहों के पीछे पड़ी रहती है। और चूहे तो हर दम कुछ ना कुछ खाते रहते कुतुर कुतुर कुतुर। ये हो गए हमारे हर्बीवोर्स, ये हो गए हमारे कार्निवोर्स, और ये हो गए हमारे इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े। तो ये बन गया हमारा पूरा जंगल। सुंदर है ना। वैसे हम आज आपस में सवाल पूछ रहे थे कि अगर ये टाइगर यहाँ से गायब हो गया तो क्या होगा। होगा क्या, इन हर्बीवोर्स की पार्टी हो जाएगी, इन्हें तो कोई खाने वाला ही नहीं होगा। और हम क्यों शोर मचाते हैं कि टाइगर गायब हो रहे हैं, टाइगर कम हो रहे हैं। हम तो जंगलों से कितना दूर शहरों में रहते हैं, फिर क्यों? सेव द टाइगर, सेव द टाइगर, हम ऐसा क्यों कहते रहते हैं? क्यों ऐसा ही होता है? मकड़ी का जाला एक बिंदु से शुरू होकर बन जाता है पूरा जाल। हर तार एक दूसरे से जुड़ा। पृथ्वी पर जीवन कुछ ऐसे ही बना है। सबसे पहले बने एक कोशीय जीव, जीवन का पहला बिंदु। पृथ्वी पर आज तक जन्मे हर रूप के पूर्वज। इस वेब ऑफ लाइफ में हर एक का अपना स्थान। चलते हैं जंगल के अंदर, जंगल जहां बाघ है। बाघ जिसका खाना है हर्बीवोर्स, घास फूस खाने वाले। सोचिए अगर टाइगर खत्म हो जाए तो। हर्बीवोर्स बहुत बढ़ जाएंगे और वो हद से ज्यादा बढ़ेंगे तो जंगल बचेगा क्या? इसीलिए कहते हैं सेव टाइगर। और यहाँ टाइगर सिर्फ बाघ नहीं, हर छोटा बड़ा प्राणी है, क्योंकि हर प्राणी एक दूसरे से जुड़ा है। पृथ्वी के कोने कोने में जीवन है। प्राणी और पेड़ पौधे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उस जगह में रहने के लिए वेल अडैप्टेड। फिर चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, हर्बीवोर्स हो या कार्निवोर्स, जैसे हिरण हो या शेर, हर एक चीज की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस। और हर प्राणी का हेल्दी रहना उस जगह के इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। इकोसिस्टम क्या है? पेड़ को लें, यहाँ भी बहुत से प्राणी एक साथ रहते हैं, अपना एक जाल बनाकर, एक दूसरे पर निर्भर। किसी के लिए पेड़ घर है, किसी के लिए खाना। कोई पेड़ की पत्ती खाता है तो कोई उसकी छाल। कोई पेड़ पर रहने वाला जीव है। हर किसी का अपना काम और हर किसी का आपस में रिश्ता। ये चीटे डाल से निकलने वाले मीठे रस को पीते हैं, बदले में पेड़ की रक्षा करते हैं। मजाल है कि कोई कीड़ा मकोड़ा यहाँ आकर पेड़ को नुकसान पहुँचाए। पेड़ को रक्षा मिलती है, चीटे को खाना। गिलहरी और पक्षी अगर पेड़ से खाना खाते हैं तो बदले में उसके बीज भी तो इधर उधर फैला देते हैं, है ना? दोनों का फायदा। इकोसिस्टम में दोस्त भी रहते हैं, दुश्मन भी। सांप और पक्षी में कोई दोस्ती नहीं, लेकिन कभी सांप जीतता है, कभी पक्षी बच जाता है, और दोनों की संख्या में संतुलन बना रहता है। यही
इकोसिस्टम को स्वस्थ रखता है। के जाले जैसा हमारा वेब ऑफ लाइफ, मानो एक एक तार जैसे एक एक प्राणी। मुझे तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, इतने तरह के जानवर, पेड़ पौधे, पंछी, बिच्छू, मछलियां, और साथ में हम। देखा जाए तो पृथ्वी पर सिर्फ एक नियम काम करता है, सर्वाइवल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डायनासोर कितने विशाल, कितने ताकतवर, फिर भी वो पृथ्वी पर जिंदा नहीं बच पाए। चीता सबसे तेज दौड़ लगाने वाला, वो भी जंगलों से गायब हो चुका है। मतलब जिंदा रहने की रेस में जीतने वाला हमेशा सबसे बड़ा या सबसे ताकतवर नहीं रहता। जिंदा तो वो रहता है जो अपने आप को बदल सके, अडैप्ट हो जाए। माना जाता है कि मनुष्य की उत्पत्ति कुछ इस क्रम में हुई। मछलियां पैदा हो चुकी थी, पानी में कंपटीशन बढ़ा तो जीवन पानी के बाहर आने लगा। एम्फीबियंस जैसे मेंढक उत्पन्न हुए, और मेंढक के बाद नंबर आया रेंगने वाले सांपों का। एक बार फिर कंपटीशन बढ़ रहा था, कुछ प्राणी उड़ निकले और बन गए पक्षी। पक्षियों के बाद जन्मे स्तनधारी मैमल्स, और इन्हीं मैमल्स के विकास से हम इंसान उत्पन्न हुए। हम ताकतवर होते जा रहे हैं, और किसी एक प्राणी का ताकतवर होना पूरे वेब ऑफ लाइफ को गड़बड़ा सकता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यही तो होगा जंगल का नियम। और कितनी मजेदार होगी जिंदगी, बस खाओ पियो और एकदम मस्त रहो। कोई टेंशन की तो जरूरत ही नहीं, क्यों केटू? कदम कदम पर खतरा, जंगल जंगल में जीना कोई आसान काम थोड़ी है। अरे भाई, सबसे बड़ी टेंशन तो ये कि पहले खाना ढूंढो, और उससे बड़ी टेंशन ये कि कहीं आप किसी का खाना ना बन जाए। बाप रे बाप, बड़ा सिंपल सा उसूल है, या तो दुबक कर छुप कर कहीं चुपचाप बैठ जाओ, किसी को नजर ना हो, और या इतने डरावने बन जाओ कि कोई आपके पास भी ना भटके। तो देखते हैं ये बड़ा ही मजेदार फीचर। इन एक्टर्स की एक्टिंग देखकर तो आमिर खान भी शर्मा जाए। बीट यही लगती है ना, चिड़िया भला अपनी पॉटी में क्यों इंटरेस्टेड होगी, पर ये बीट तो एक कैटरपिलर है। यहाँ आपको कुछ दिख रहा है? नहीं ना, स्टिक इंसेक्ट पत्तियों में ऐसा एक हो जाता है कि दूर क्या पास से भी ना देख पाए आप। कैमोफलाज बचाव का एक अच्छा तरीका है, मानो छिपने के लिए मेकअप कर लिया हो। मेंढक बिना हिले डुले स्थिर भी बैठ सकता है और जमीन में छिप भी सकता है। कुछ तो है नाजुक, पर धोखेबाज बहरूपिये। ये आउल मौत है पतंगा, पर पंखों पर बनी है उल्लू की आंखें, और उल्लू के पास तो कम ही भटकते हैं। गिरगिट रंग बदलने में माहिर, और यही रंग बदलने की विशेषता उसे हमारी और अपने दुश्मनों की नजर से छुपा कर रखती है। वैसे गिरगिट का रंग उसके मूड के साथ भी बदलता है। अडैप्टेशन के साथ बचाव के तरीकों में वैरायटी आ गई है। कुछ सांप और बिच्छुओं को विष मिल गया है, और कुछ प्राणियों जैसे कछुओं को मिल गए हैं कठोर कवच। पानी के अंदर भी बचाव के मजेदार तरीके। दुश्मन मछली ऑक्टोपस के पास पहुंची तो देखिए उसने क्या किया।